राग देश। राग देश की उत्पत्ति खमाज ठाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात शुद्ध नी और कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध नी का प्रयोग इसके आरोह में और कोमल नी का प्रयोग इसके अवरोह में किया जाता है। इस राग के आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इस राग के आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ऋषभ अर्थात रे है और संवादी स्वर पंचम अर्थात प है। इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह चंचल प्रकृति का राग है। राग देश के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब अवरोह इस राग की पकड़ इस प्रकार है। रे मा अब प्रस्तुत है राग देश की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मारे मामा पा मा पा नी
अभी आपने सुनी राग देश की स्वरमालिका। अब इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, देखो चारों ओर ये कैसी। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। हरे अभी आपने सुनी राग देश की स्वरमालिका, साथ ही सुनी इस स्वरमालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे, राग रस बरसे।